हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल, वेलकम बैक टू सुनील आरबी ब्लॉग्स। तो आज क्या करूँ फ्रेंड्स, ब्लॉग करने का मन ही नहीं है। कल रात को अनवी को मम्मी ने पैकेट वाला दूध पिला दिया और उसको डाइजेस्ट नहीं हुआ। इतना उल्टी की है, इतना उल्टी, इतना वॉमिटिंग की है ना, तो सुस्त लिटरली समझ लिए 2 घंटे तक उल्टी करते रही। रात को 2 बजे मैं हॉस्पिटल गया, सोचा कुछ टॉनिक वगैरह ले आता हूँ, पिला देते हैं कुछ दवा वगैरह, लेकिन कोई दवा देने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि अभी 3 मंथ की बेबी है और बोल रहे थे चाइल्ड स्पेशलिस्ट नहीं है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट को पूछ के ही देंगे। दो तीन और बंदे लोग मुझे डॉक्टर्स पते थे, उनको कॉल किया, कोई भी पिक नहीं किया। रात को 2 2:30 बजे कौन पिक करता है, तो बहुत ज़्यादा सब लोग घबरा गए थे। फिलहाल अभी सो रही है, तो चलिए दिखाता हूँ अभी क्या कैसे सो रही है। बहुत ज़्यादा सब लोग घबरा गए थे कि मम्मी भी सुबह 5 बजे सोई हैं, और देखिए अनवी अभी उठ गई है। अनवी अनवी उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा। अभी अनवी रो रही थी तो इसको हम लेके आ गए, तो देखिए चेहरा इसका बहुत ज़्यादा, सभी लोग टेंशन हो गए थे। पापा तो अभी फ़ोन करके पूछ रहे थे कि अनवी का तबीयत कैसा है, तो अभी इसको थोड़ा बहुत बुखार है। हाँ, अगर मेरा चीक्स छू रहा है ना तो हॉटनेस फील हो रहा है। तो अभी बाहर बारिश हो रहा है, यहाँ पे बैंगलोर में बारिश बहुत हो रहा है। जब से आए हैं तो मौसम ठंड ही बहुत ज़्यादा ठंड है और बारिश हो रहा है, तो अभी बारिश में कैसे लेके जाएं, ठंडी पकड़ लेता है इसको जल्दी से। तो सोच रहा हूँ 12 बजे 1 बजे के बाद कहीं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास लेके जाता हूँ और दिखा देता हूँ एक बार अनवी को। लिटरली सब लोग रात को बहुत ज़्यादा डर चुके थे। तो चलिए अभी ब्रेकफास्ट करता हूँ और अनवी को मम्मी से बोलता हूँ इसको दूध पिला देते हैं। देखिए अनवी अभी मम्मी के पास गई है। रात को पहले क्या हुआ ना, रात को इतना चिल्ला रही थी मम्मी ने ऐसे जैसे कि बोला दूध पिलाए, फिर उल्टी। मम्मी भी रात भर समझ लिए कोई भी रात में ठीक से सोया नहीं है। तो देखिए अभी उठी है तो मम्मी के पास ही ज़्यादा रहती है। अभी तो फिलहाल जब से आई है तो मम्मी के पास ही ज़्यादा सोती है, मम्मी के पास ही ज़्यादा रहती है अनवी। चलिए देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या बना है आज। ये तो दूध है, ये तो बेबी दूध है, सिर्फ दूध दूध ही है। ये देखिए चित्रन्ना है, इसे ही खाएंगे अब। फिर ये देखिए गुलाब जामुन, मीठा से मन भर गया है, तो इसमें से चावल रहेगा। तो फिर अब मैं सिर्फ चित्रन्ना खाऊंगा और मुझे थोड़ा काम से बाहर जाना है। बैंगलोर का क्लाइमेट भी बहुत कमाल का है गाइस, कितना कमाल का है पूछो मत। 15 मिनट पहले इतना बारिश होने का संभावना था और बूंदी पड़ रही थी, बारिश भी हो रहा था और बादल भी बहुत ज़्यादा छाए हुए थे। अभी देखिए घाम निकल गया है, आप देख सकते हैं, देखिए घाम निकल गया। अभी मुझे कुछ काम के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो अगर कुछ ब्लॉग बनाने के लायक रहेगा तो ज़रूर बनाऊँगा। तो ये वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। घर से निकल के 15 मिनट भी नहीं हुआ है और बारिश शुरू हो गया है, और क्या कहूँ फ्रेंड, कहीं बहुत जाना है, जर्किन भी नहीं लाया, धूप निकल गया था, सोचा कुछ ज़रूरत नहीं रहेगा, लेकिन देखिए बारिश हो रहा है। तो फिलहाल अभी बारिश रुकने का इंतज़ार करता हूँ, फिर जहाँ जाना है चलता हूँ। सुबह का बाहर गया, घर अभी लौटा हूँ और अनवी को देखा हूँ तो अनवी सो रही है, मेरी बेचारी बेटी लाडली। तो उसका तबीयत ख़राब है, तो अभी मम्मी क्या की हैं, कौड़ा घर पे ही चला के उसको सिकाई उकाई की हैं, तो अभी आराम से सो रही है। तो सुबह से थोड़ा थोड़ा ही खाना खाया था, तो अभी थोड़ा बहुत खाना खा लेता हूँ। अभी शाम को 5 बज रहा है, तो कुछ टीवी वगैरह में कुछ देखता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। अभी देखिए फ्रेंड्स, इतना आराम से सो रही है ना कि इसको जगाओ तो नहीं जगेगी। अनवी उठो, उठ जा उठ जा उठ जा बेबी उठ जा। ये लेकिन अभी देखिए सो गई, उठेगी नहीं, अभी अच्छे से दिन में सोएगी ना, रात में अच्छे से परेशान करेगी। उठ जा उठ जा उठ जा बेबी बेबी, उठो 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 उठो, कितना भी कर लो अभी नहीं उठेगी। शाम को अगर ऐसे ऐसे खिला देना, इतना चिल्लाएगी इतना चिल्लाएगी पूछिए मत। अभी ये सोने देते हैं बच्ची को।
रात के अभी 12:30 बज रहे हैं गाइस, और देख रहा हूँ तो अनवी चिल्ला रही थी, तो देखा क्या कर रही है। तो देखिए उसकी दिखाता हूँ, उनकी मम्मी भी जाग गई हैं, दोपहर को सो गई थी तो इसलिए जाग रही हैं। तो देखिए एक हाथ में मोबाइल लिए हुए हैं देखिए, और एक हाथ में गुनगुना लेके देखिए खिला रही हैं। और ये देखिए अनवी हाय बोल रहा है। देखिए नहीं सोएगी अभी, कम से कम 2 या 3 बजे तक नहीं सोएगी, बहुत ज़्यादा तंग करती है। हाय बोलो लाला। हाय देखिए सभी को हाय भी बोलती है। तो फिलहाल अभी मेरा एक कॉन कॉल है, मेरा भी डिनर भी नहीं हुआ है, तो पहले फटाफट कॉन कॉल को ख़त्म करता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद डिनर करता हूँ। यार हमारा डिनर का टाइम ही अलग रहता है, एक एक बार तो समझ लिया 8-9 बजे हो जाता है, एक बार 1-1.5 बजे खाता हूँ। तो फिलहाल आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अनवी का शॉर्ट्स देखते रहिए जो हमने अपलोड कर रहे हैं, और अपना प्यार हमें देते रहिए। तो ये कहते हुए आज का ब्लॉग एंड करते हैं, तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नए दिन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।